शहबाज दौर में सस्ती रोटी पर तनकीद अब तकलीफ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सस्ती रोटी के लिए पहले से ज्यादा फंड्स मुख्तस कर डाले। सस्ती रोटी अथॉरिटी के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस, रकम 6.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 करोड़ 87 लाख करने की सिफारिश। शहबाज शरीफ ने चौधरी लतीफ कंपनी का ठेका मंसूख किया, कौमी खजाने को 66 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। शेख अलाउद्दीन ने कामरान कियानी की कंपनी को ठेका देने के लिए रिश्वत का इंकशाफ किया। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। पंजाब असेंबली का महाज गरम, मुअत्तल लीगी अरकान को असेंबली में दाखिले से रोकने पर ऑपोजिशन सीखपा। दाखिले की इजाजत ना मिलने पर असेंबली की सीढ़ियों पर धरना, डोंकी राजा सरकार नहीं चलेगी किनारे। नून लीग का अरकान की मुअत्तली का हुक्मनामा वापस लेने तक असेंबली इजलास का बॉयकॉट। असेंबली में बजट पर बहस, ऑपोजिशन के एहतजाज की नजर, इजलास सोमवार तक मुलतवी। धांधली के बावजूद इंतखाबी नतायज तस्लीम किए, एक शख्स 12 वोट चोरी करके स्पीकर बन गया। जाली स्पीकर ने हंगामा आरई की जाली तस्वीर जारी की, स्पीकर थानेदारी कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब बैंक और रिंग रोड पर डाका डाला। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, हंगामा आरई के मामले की तहकीकात का मुतालबा। एहतजाज करना कोई खाला जी का घर नहीं, 126 दिन का धरना दिया था। मियां साहब 126 घंटे ही एहतजाज कर लो, आओ एहतजाज करो, कंटेनर भी देंगे और पानी भी। आप लोग तो आधे घंटे में ही भाग गए। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के नून लीग पर वार, चोरों के साथ कोई रियायत नहीं होगी, सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आशियाना साफ पानी हर कंपनी में स्कैंडल है, अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। स्पीकर असेंबली हमारा वकार और हमारी शान है, तोहीन नहीं होने देंगे। सूबाई वजीर इतलात का ऐवान के अंदर मुखालफिन को जवाब, इजलास से बाहर आकर भी ऑपोजिशन पर वार। लीगी अरकान ने हमजा शहबाज के इशारों पर एहतजाज किया, एहतजाज आप करें तो रामलीला, दूसरे करें तो कैरेक्टर ढीला। आप करें तो रामलीला, कोई दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। आप करें तो सुभान अल्लाह, कोई दूसरा करे तो अस्तगफिरुल्ला। आप करे तो माशाल्लाह, कोई दूसरा करे तो अस्तगफिरुल्ला। आप करे तो वावा, कोई दूसरा करे तो थू थू। तो इस किस्म की मुनाफकत मियां हमजा शहबाज कश्मीरी साहब आपको जेब नहीं देती। 6 मुअत्तल अरकान की असेंबली के बाहर फुटपाथ पर बैठक, ऐवान में ना बैठने देते असेंबली के हाथे में तो आने देते। ऐसा तो परवेज मुशरफ दौर के भी नहीं हुआ था। एहतजाज हमारा आईनी हक है, ऑपोजिशन की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मुअत्तल रुकने यासीन सोहल की मीडिया से गुफ्तगू, असेंबली में दाखिले की इजाजत ना मिलने पर बरहम। लीगी खवातीन भी हुकूमत पर बरहम, ये असेंबली का इहाता है, किसी का घर नहीं। लीगी खवातीन एहतजाज के दौरान लीगी खातून रुकन बेहोश हो गई। जिमनी इलेक्शन जीतकर साद रफीक ने साबित कर दिया, लोहे के चने होते हैं। कुछ लोगों को लगता था कि लोहे के चने नहीं होते। ख्वाजा इमरान नजीर का जोशीला खिताब, असेंबली में हंगामा आरई का जिम्मेदार स्पीकर को करार दे दिया। राना मशहूद का नून लीग के वजीर आला के आने का दावा, बोले पंजाब में हम हुकूमत करेंगे, ऑपोजिशन मुत्तहिद हो जाए तो विफाक और पंजाब में डोंकी राजा की हुकूमत नहीं बन सकती। अवाम के मसाइल मेरे अपने मसाइल हैं, शिकायत सेल की खुद मॉनिटरिंग करूंगा। साबिक दौर खोखले नारों और नुमाइशी मंसूबों का दौर था, अब ऐसा नहीं है। जो अवाम की खिदमत करेगा वही ओहदे पर रहेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात, लोगों के मसाइल सुने। अवाम महंगाई के दूसरे वार से बच गए, पंजाब हुकूमत और ताजिर तंजीमों के दरमियान मुजाकरात कामयाब।
दूध दही चीनी और दीगर अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा रुक गया। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्राउंड से इस्तेमाल करने का मामला, यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कराया वसूली के लिए एलडीए को दोबारा नोटिस भेज दिया। 6 साल का कराया 1,33,13,000 रुपए वसूल किया जाएगा। दूध के नाम पर सफेद जहर फरोख्त करने का धंधा, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर फूड अथॉरिटी की नाकाबंदी, 37 गाड़ियों में मौजूद 5,751 लीटर दूध तल्फ कर दिया। जोहर टाउन में एलडीए और जिला इंतजामिया इन एक्शन, गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी, सरकारी अराजी वागुजार, मंशा बम के कब्जे से वागुजार अराजी पर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान दफातर कायम, एडिशनल डीजी एलडीए का दफातर का दौरा। और नेशनल वीमेन फुटबॉल चैंपियनशिप के मुकाबले जारी, खवातीन खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस, टूर्नामेंट का फाइनल 25 अक्टूबर को खेला जाएगा।